जब गर्भवती अपने शिशु की हलचल पहली बार महसूस करती है तो वह बहुत हैप्पी होती है। हर बार अपने शिशु की हलचल को महसूस करने की इच्छा रखती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटों से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो गर्भावस्था के चौथे महीने में या 16 वीक्स के आसपास आप आपके गर्भस्थ शिशु की हलचल को महसूस करना शुरू कर सकती है। यह हलचल आप छठवें और सातवें महीने में अधिक महसूस कर सकती है और फिर आठवें महीने के एंडिंग या नौवें महीने में बच्चे की एक्टिविटीज़ में कमी आना और उसकी किक को कम महसूस करना यह सामान्य बात होती है, क्योंकि अभी बच्चे को घूमने फिरने के लिए जगह कम पड़ने लगती है। लेकिन कई बार गर्भवती अपने शिशु की हलचल को सामान्य से कम महसूस करती है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे वह ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है, वह क्या कारण होते हैं जिनमें शिशु की हलचल में कमी आना और उसकी हलचल कम महसूस होना यह देखा जाता है। और अगर शिशु की हलचल में कमी आती है तो आप क्या कर सकती है, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको कुछ खास टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप यदि फॉलो करती है तो तुरंत आपके शिशु की मूवमेंट को महसूस कर सकती है। गर्भ में पल रहे शिशु की एक्टिविटीज़, उसकी मूवमेंट जो आपको फील होती है, वह आपके शरीर के फैट्स एमनियोटिक फ्लूइड पर निर्भर हो सकती है। सातवें आठवें महीने में शिशु सोने जागने का पैटर्न भी डेवलप करता है जो कि लगभग एक घंटे तक का हो सकता है। इट मीन्स जब शिशु सो रहा है तो आपको उसकी हलचल कम महसूस होगी या महसूस नहीं होगी। नौवें महीने में शिशु अपना सिर पेल्विस में स्थिर कर लेता है, जिसे हम हेड फिक्स होना भी कहते हैं, तब भी आप शिशु की हलचल कम महसूस कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आपको एकदम से शिशु की हलचल में कमी होने की आशंका यदि होती है तो आपको इसके बारे में आपके गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। नौवें महीने में दो घंटे के अंतराल में शिशु लगभग 10 से 11 बार हलचल कर सकता है। शिशु की हलचल कैसे काउंट किया जाए, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे भी आपको समझना है। आइए अब जानते हैं अगर बच्चे की हलचल कम हो रही है तो क्या करें। शिशु की हलचल कम हो रही है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वह आपको सोनोग्राफी के लिए कह सकते हैं, जिसमें शिशु के दिल की धड़कन, हार्ट रेट्स की जांच की जा सकती है। आपका ब्लड प्रेशर चेक करके यदि बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको दवाई गोली वह देंगी। डॉक्टर आपके पेशाब की जांच भी कर सकते हैं। यह तो उपचार हो गए जो आपके डॉक्टर करेंगे, लेकिन अभी कुछ बातें जो आपको करनी है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे आप यदि करती है तो आपके शिशु की मूवमेंट तुरंत फील कर सकेंगी। जब भी आपको शिशु की मूवमेंट कम फील हो रही है तो सबसे पहले तो आपको शांत होकर रेस्ट करना है। एंग्शियस बिल्कुल भी नहीं होना है। रिलैक्स बैठकर आप लेफ्ट करवट पर सोकर आपका पूरा फोकस आपके गर्भस्थ शिशु पर आपको रखना है। दोनों हाथों से पेट पर प्यार से सहलाना है, शिशु को फील करना है, उसकी मूवमेंट्स काउंट करनी है। पेट को सहलाते हुए शिशु से प्रसन्न चित्त होकर गर्भ संवाद करना है, उसे सुमधुर संगीत सुनाना है। किस तरह से गर्भ संवाद करना है, कौन सा म्यूजिक आपको सुनना है, यह आप सीख सकती है संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में, जहां पे आपको दिया जाता है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑडियो, जिसे आप यदि सुनती है तो बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छे से फील कर सकती है। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। जब आप शिशु की मूवमेंट कम फील करती है तो आपको थोड़ा सा मीठा खाना है, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ऐसा करने से आप पाएंगी आपके शिशु को अच्छे से हलचल करते हुए। और यदि इन सभी बातों को करने के बावजूद भी हलचल नहीं फील हो रही है तो तुरंत आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।